ये आपके लिए एक आप नाजरीन के लिए हम एक और खुशखबरी दे रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसे पैनल आएंगे कि भाई वो एन टाइप का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। बिल्कुल वो एन टाइप में जो थे वो 16 लाइनें होते हैं और हमारे पास जो नया सोलर पैनल आ रहा है जिनको 590 वाट उसमें होते हैं 20 लाइनें। ऑफिशियल और मोनोफिशियल में एम्पियर में फर्क होता है। मोनोफिशियल जो होते हैं वो 12 से 13 एम्पियर देते हैं और जो बाइफिशियल होता है मैं आपको पहले भी बता दूं वो 14 से 15 एम्पियर देते हैं। फ्यूचर में हमारे पास फ्रोनस के भी होते हैं, इनवेरिस के भी होते हैं। फिलहाल फ्रोनस का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये जो होता है ये फ्रोनस का 6 किलोवाट होता है, 7200 पीवी होता है। इसमें आप 4 बैटरी लगा सकते हैं और 14 सोलर पैनल आपको 580 वाट इसमें लगा सकते हैं। ये भी फ्रोनस का 3.2 किलोवाट, 3.2 फ्रोनस का 1 साल की वारंटी में 6 सोलर पैनल इसमें लगते हैं और 2 बैटरी इसमें लगते हैं। और हाइमो 7 में जो होता है उसमें बस बार जो होते हैं लाइनें वो 18 होता है, बाकी में तकरीबन 16 होता है और उसमें 18। ये जिनको का पैनल है बाइफिशियल 585 वाट एन टाइप में 16 बस बार में, ये तकरीबन है 3600 पेपर वाट। अच्छा दानियाल भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि स्टॉक में आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल होते हैं? कैनेडियन होता है, फिलहाल स्टॉक खत्म है कैनेडियन का। और जिनको का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्रोन का स्टॉक पड़ा हुआ है, सोलर मॉड्यूल पी टाइप का स्टॉक पड़ा हुआ है, लॉन्गजी का हमारा 7 स्टॉक होता है। लॉन्गजी में 2-3 किस्म का आता है, हाइमो 6, हाइमो 7, हाइमो 5, डबल गिरा, सिंगल गिरा, मोनोफिशियल, बाइफिशियल, हाइमो 7, ये सब कुछ। अभी हमारा स्टॉक आ रहा है जिनको में 20 बस बार होता है, यानी अभी ये तो 16 बस बार लिखे हुए ना, अभी हमारा स्टॉक आ जाएगा उसमें 20 बस बार बनेगा। पी टाइप के हवाले से अगर बात करें तो पी टाइप बादलों में तकरीबन 6 से 8 एम्पियर देते हैं और ऐसे बिल्कुल क्लियर मौसम में वो 11 तक एम्पियर दे सकते हैं, 11 से 12 तक। और एन टाइप में अगर आप इस्तेमाल कर ले तो वो तकरीबन 14 से 15 एम्पियर देते हैं और बादलों में तकरीबन 11-15 देते हैं। 3 किलोवाट पे को टोटल जो आता है वो 4.5 लाख तक आते हैं और इसमें 6 पैनल, इन्वेटर, 2 बैटरी, उसके स्ट्रक्चर वगैरह, तार, इंस्टॉलेशन A to Z सामान तकरीबन 4 से लेकर 4.5 लाख तक होते हैं। उसमें अक्सर कस्टमर मुख्तलिफ चीज़ों का डिमांड करते हैं तो उसमें 4 लाख भी उसका कोस्ट आ सकते हैं और 5 लाख तक भी जा सकते हैं। हर किसी का अपना माइंड होता है, हर किसी का अपना कोस्ट होता है। क्या क्या चला सकते हैं उसमें? 3 किलोवाट में आप 3000 वाट तक आप चला सकते हो। वो अगर आप एक इसी चला दो या 2 इसी चला दो तो 3000 वाट आपको कवर करना होगा। या आप 10 चीज़ें 3000 वाट पर चला दो इन 500 वाट के, या आप एक ही चीज़ 3000 वाट पर चला दो, 3000 वाट आप उसको कवर कर सकते हैं। 1 किलोवाट उसमें 10 पंखे और 5 से 10 लाइटें। इसी तरह कोई अगर छोटे मोटे से कोई मोबाइल या कोई कैमरा डिवाइस इस तरह हो तो उसको भी चला सकते हैं 1 किलोवाट में। आज के रेट की सबसे बहुत ज़्यादा कमी आया हुआ है, आज के बाइफिशियल पैनल जो है वो 3600 पेपर वाट के हिसाब से चल रहा है। तकरीबन कुछ दिन पहले यही पैनल 40, 42, 43 पेपर वाट के हिसाब से चल रहा था और रेट में काफ़ी कमी होने की वजह से तकरीबन 3600 पेपर वाट चल रहे हैं आज। तो कौन से पैनल 3600 पेपर वाट है, हमें दिखाएं, एक एक करके पैनल दिखाते रहे। ये जिंको का पैनल है बाइफिशियल 585 वाट एन टाइप में 16 बस बार में, ये तकरीबन है 3600 पेपर वाट। जी जरा मुझे ये बताएं कि बाइफिशियल में क्यों खरीदो, बाइफिशियल की तरफ क्यों जाऊं, मोनोफिशियल भी मार्केट में इसमें मौजूद है। बाइफिशियल इस वजह से अच्छा है, उसके एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसके करंट वोल्ट एम्पीयर ज्यादा होता है, वो इसके बस बार नीचे से भी गर्म होता है, ऊपर से भी गर्म होता है, सही। इसमें इसके एम्पीयर ज्यादा होते हैं तो इस वजह से लोग बाइफिशियल के पीछे भाग रहे हैं। और जो मोनोफिशियल है उसके एम्पीयर कम होता है, उसके एम्पीयर कम होते हैं, वो पीछे से सफ़ेद शीट लगा होता है, उसको नीचे से कोई भी तवाना इसको वसो नहीं होता है, तो इसकी वजह से लोग जो है वो सारे बाइफिशियल के पीछे भाग रहे हैं। क्रोन लिफान वाले का हमारे साथ पैनल पड़ा हुआ है, जापानी कंपनी है, 580 वाट में तकरीबन इसके भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, 14 से 15 एम्पीयर देते हैं और 30 ईयर की वारंटी में, जिनको को जो होते हैं 25 ईयर की वारंटी में, इसका 30 ईयर की वारंटी में होता है। ये क्रोन लिफान वाले को है। अच्छा इसमें कितनी बस बार है? इसमें भी 16 बस बार है एन टाइप में, ये भी एन टाइप होता है, ये भी बाइफिशियल होता है जी। बाकायदा 30 साल का वारंटी होता है 580 वाट क्रोन लिफान वाले का, जापानी कंपनी है और एन टाइप में बाइफिशियल, रेट वही सेम टू सेम 3600 पेपर वाट के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल जो होते हैं वो एक रेट होता है, उसमें कोई भी 2 नंबर कोई भी कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ये इसकी एक पहचान होता है कि भाई इसके अपना पास का बारकोड लिखा होता है, कंपनी से पास में इसके स्टंप लगा हुआ था, बाकायदा इसके ऊपर अपना स्टंप लगा हुआ था। ये क्रोन का मोनोफिशियल है, ये 3500 पेपर वाट है, 580 वाट है, ये इसका पी टाइप में, ये बाइफिशियल है। बाइफिशियल पी टाइप की अभी मैं आपको समझा दी कि भाई इसमें जो थे 10 बस बार होता है, उसमें जो थे 16 बस बार थे और पी टाइप में जो थे इसमें 10 बस बार है। ये पी टाइप बाइफिशियल इसको कहते हैं, 550 वाट होता है, तकरीबन 18000 रुपये के हिसाब से होता है एक पैनल, 550 वाट 18000 रुपये बाइफिशियल में। पीछे में ये होता है कि भाई ये पुराने कैटेगरी, इसमें एम्पियर थोड़ा कम होता है,
एनटेप जो थे वो नए कैटेगरी स्क्रीन पे थोड़ा ज्यादा होता है। एनटेप अच्छी चीज है, अगर किसी के पास में है तो एनटेप और पिटेक 3 से 4-5 हज़ार रुपए में इसके बीच में फर्क होता है। अगर किसी के उसमें आता है कि भाई वो 4,000-5,000 महंगा चीज ले सकते हैं तो वो बाइट के वो एनटेप ले ले, अगर उसके पास में नहीं आता है तो वो पिटेप ले ले, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। उसके बीच वारंटी सेम टू सेम होता है, बस 2-3 एम्पेयर का फर्क होता है और 4-5 हज़ार रुपये का फर्क होता है। ये होता है एनटेप और पिटेप में फर्क। लॉन्गजी का हमारे साथ स्टॉक होता है, लॉन्गजी में 2-3 किस्म का आता है, हाइमो 6, हाइमो 7, हाइमो 5, डबल गिरा, सिंगल गिरा, मोनो ऑफिशियल, बाई ऑफिशियल, हाइमो 7, ये सब कुछ। अभी हमारा स्टॉक आ रहा है जिनको में 20 बस बार होता है, यानी अभी ये तो 16 बस बार लिखे हुए ना, अभी हमारा स्टॉक आ जाएगा उसमें 20 बस बार बनेगा, तो इवन इसी रेट में से। हमें लॉन्गजी हाइमो 7 की प्राइस बताएं, आज के डेट में लॉन्गजी हाइमो 7 की क्या प्राइस है? हाइमो 7 जो होता है वो 35 पर वाट है, और हाइमो 7 में जो होता है उसमें बस बार जो होते हैं लाइनें वो 18 होता है, बाकी में तकरीबन 16 होता है और उसमें 18। ये आपके लिए एक नाजरीन के लिए हम एक और खुशखबरी दे रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसे पैनल आएंगे कि भाई वो एन टाइप का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा बिल्कुल। वो एन टाइप में जो थे वो 16 लाइनें होते हैं, और हमारे पास जो नया सोलर पैनल आ रहा है जिनको का 590 वाट है उसमें होते हैं 20 लाइनें, ये बिल्कुल एन टाइप लोग भूल जाएंगे, उसी 20 लाइनों के पीछे सफर जाएंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा दानियाल भाई, इन्वर्टर में कौन से दिखा रहे हैं हमें? इन्वर्टर में हमारे पास फ्रोनस के भी होते हैं, इनवेरिस के भी होते हैं। फिलहाल फ्रोनस का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये जो होता है ये फ्रोनस का 6 किलोवाट होता है, 7,200 PV होता है। इसमें आप 4 बैटरी लगा सकते हैं और 14 सोलर पैनल आपको 580 वाट इसमें लगा सकते हैं। इसका रेट तकरीबन 1.5 लाख रुपये तक हमारे साथ अवेलेबल है, 1.5 लाख रुपये। इसी तरह ये भी फ्रोनस का 3.2 किलोवाट, 3.2 फ्रोनस का 1 साल की वारंटी में 6 सोलर पैनल इसमें लगते हैं और 2 बैटरी इसमें लगते हैं, तो ये 3 किलोवाट के 3,000 वाट जिसमें आपको पहले वीडियो में बता दिया कि इसमें 3,000 वाट आप इसके ऊपर चला सकते हो। एनएस के फिर हमारा साथ ये अवेलेबल, ये 1 किलोवाट का यानी 1200 वाट का 1 बैटरी इसमें लगते हैं। 3 पैनल आप इसमें लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो और 3 भी लगा सकते हो, 1 बैटरी इसमें लगा सकते हो, और तकरीबन ये इस टाइम रेट है इसका 40,000 रुपये 1 साल की वारंटी में। इसी तरह हमारा साथ यदि ये पड़ा हुआ है 4.2 किलोवाट फ्रोनस का 1 साल की वारंटी में, 2 बैटरी इसमें लगा सकते हो और 8 पैनल इस पे लगा सकते हो, 4200 वाट आप इस आउटपुट ले सकते हो सोलर का। और इसका प्राइस है 1,20,000 रुपये। हमारा शॉप न्यू सब्जी मंडी बिस्मिल्लाह मार्केट गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने, काका सोलर एजेंसी बोर्ड लगा हुआ है सामने, शॉप नंबर 81 नंबर आपको नीचे दे देंगे, मेरा भी नंबर है, सब का भी वहाँ पे नंबर दे देंगे। शॉप नंबर 81 काका सोलर एजेंसी न्यू सब्जी मंडी गेट नंबर 2 बिस्मिल्लाह मार्केट में।